नमस्कार, मैं हूं आशु दत्त। किस दिन में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को कैसे मास्टर करें, ये तो सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आदमी सीखता है। मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस के बाद ये सीखा है। आपने ज़रूर अपने लाइफ में भी ये देखा होगा, आप में से कईयों ने इसको रोक भी दिया होगा, कई जो है क्योंकि हमारे कोई ऐसी इंग्रेडिएशन या चीज़ बताई जाती है जो ठीक नहीं है मार्केट में, अगर हम करते हैं वो है एवरेजिंग। हम ये करते हैं कि एक स्टॉक खरीदते हैं 100 रुपये का, स्टॉक नीचे की तरफ आता है, फिर 50 रुपये का हो जाता है, हम और ख़रीदते हैं, हम कहते हैं साहब ये तो अच्छा हो गया, स्टॉक और सस्ता हो गया। देखिए, स्टॉक जो है ना ही भाजी जैसा है, ना ही मार्केट में या मॉल में सेल जैसा है कि जो प्रोडक्ट सस्ता हो गया है तो इसको और खरीदें। स्टॉक तो ऐसा है, अगर सस्ता हो गया है तो जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, मिल्क केक और दूध जैसा है, फटे दूध की कोई कीमत नहीं होती। तो अगर स्टॉक नीचे गिर गया तो फटे दूध जैसा हो गया है, तो उसको एवरेज ना करें, मतलब और मत खरीदें। मगर 2-3 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आप एवरेज ज़रूर कर सकते हैं। कभी कभी क्या है, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हाँ ऊपर की तरफ जाते हुए स्टॉक में आप एवरेज ज़रूर कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आपने स्टॉक सही पिक किया, मार्केट भी आपके साथ एग्री करता है कि आपने सही पिक किया। मार्केट कैसे एग्री करता है कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और आप जितना स्टॉक लेना चाहते थे उतना नहीं ले सके। हाँ बेशक आप और स्टॉक इसका खरीदें, वो इसलिए कि मार्केट और आप जो है सेम पटरी पे हैं। मार्केट एक पटरी की एक रेल है, आप दूसरी रेल हैं। अमूमन आप एवरेज कब करते हो, जब प्राइस नीचे की तरफ जाने लगती है, जिसका मतलब ये है मार्केट की जो व्यू है उस स्टॉक के बारे में और आपकी जो व्यू है, वो दोनों रेल एक साथ नहीं चल रही। तो जो ट्रेन है, जब तक पटरियाँ पैरेलल नहीं चलेंगी तो ट्रेन तो चल नहीं सकती, तो उसमें क्या है आपका लॉस ही होगा। वो इसलिए कि कोई एक इन्वेस्टर की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मार्केट के साथ टक्कर ले सके। तो अगर कंबाइंड व्यू मार्केट की ये है कि ये जो स्टॉक है नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो आप उसको ऊपर की तरफ लेके नहीं जा सकते। तो आप कहेंगे आशु जी, मगर मैंने तो सब वैल्यू के पैरामीटर्स देखे, मैंने सब कुछ देखा, उसके बाद मुझे लगा कि ये स्टॉक ठीक है, मैंने प्राइस अर्निंग देखा, बुक वैल्यू देखा। देखिए, मैंने आपसे बाकी जो लेसन्स की मैं बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि जो कई सारी जो हमारे माइंड में थ्योरीज हैं, जो जिसके बेसिस पे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग समझते हैं कर रहे हैं, वो गलत हैं। जैसे बाय एंड होल्ड, या जैसे स्टॉक जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सब चीज़ें वैल्यू इन्वेस्टर के लिए काम नहीं करती और प्रैक्टिकलिटी में ये काम कर ही नहीं सकती है। और एक स्टॉक जो नीचे की तरफ जाता है, अब देखिए मैं किसी स्टॉक का नाम लेना नहीं चाहता, मगर आपने बहुत सारे ऐसे स्टॉक देखे होंगे जो बड़े धूमधाम से मार्केट में आए थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार करोड़ के लोन ले लिए, लेने के देने छोड़िए ना, तो लोन वापस किए और आपका स्टॉक जो है 2 या 4 रुपये का पड़ा हुआ है। तो अगर ये कंडीशन स्टॉक की है वो, और आप एवरेज करते आ रहे, तो आप खुद देख लो आपकी पोर्टफोलियो की क्या हालत है। देखिए, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, आपके अपने पोर्टफोलियो में बड़े सारे ऐसे स्टॉक होंगे जो आपने एवरेज किए। तो आज से आप जो है अपने आप को कह दीजिए कि साहब मैं बिल्कुल एवरेज नहीं करूँगा। अगर स्टॉक मैंने ले लिया और नीचे की तरफ जा रहा है और 5% भी नीचे आता है, मैं तो कहूँगा 3% भी नीचे आता है, पोजीशन कट कीजिए और स्टॉक से निकल जाइए। जिसका मतलब यह है आपने जो रिसर्च किया है उसमें आप कुछ ऐसी चीज़ मिस कर गए जिसकी वजह से आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो रिसर्च है कंप्लीट नहीं है और मार्केट की व्यू आपसे मिलती नहीं है, इसलिए आपको निकलना उस स्टॉक से ज़रूरी है। अगर आप करेंगे, आप अपनी पूरी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव करते हुए देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मैं हूँ आशु दत्त।